आपके लिए लेकर आई हूँ टीथ व्हाइटनिंग की दो ऐसी रेमेडीज जो कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, सेफ है आपकी टीथ के लिए और साथ साथ ये आपके दांतों के पीलेपन को दूर करेगी और साथ साथ आपके दांतों को मोतियों की तरह चमकाएगी। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा टार्टर जम जाता है दांतों पर, बहुत ज्यादा पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में ये दोनों रेमेडीज दी बेस्ट है। आपने केवल दोनों में से एक रेमेडी को लगातार फॉलो करना है। ऐसा करने से आपके दांतों की हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी। तो फटाफट से देख लेते हैं कि ये दोनों रेमेडीज कैसे तैयार करनी है और कैसे टीथ पर अप्लाई करनी है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में छोटू सा बेल आइकन आ रहा होगा उसे प्रेस करोगे तो आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। टीथ व्हाइटनिंग की फर्स्ट रेमेडी बनाने के लिए मैंने एक क्लीन बॉल ले लिया है और क्लीन बॉल के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करूंगी ऑरेंज का जूस। ऑरेंज जूस विटामिन सी से भरपूर होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर होने की वजह से ये टार्टर को बनाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और जिससे हमारे दांतों का पीलापन भी दूर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसके पीसेस को ऐसे प्रेस करते हुए इसका जूस हमने यहाँ लेना है। आप चाहें तो ब्लेंडर में डाल के ले सकते हो, वैसे ये बहुत ही ईजी है इसको निकालना, आप ऐसे इसको प्रेस करके निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो ऑरेंज के सीड्स गिरे थे वो मैं स्पून की हेल्प से बाहर निकाल रही हूँ गाइस। अब हमने ले लिया ऑरेंज जूस, अब जो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है टोमेटो। टोमेटो का चाहे तो पल्प ले लीजिए, अगर जूस लेना चाहते हैं तो जूस ले लीजिए। टोमेटो अगेन विटामिन सी से भरपूर होता है, जैसे हमारी स्किन को निखारता है ना वैसे ही हमारे दांतों को भी निखारता है, यानी कि दांतों पर जमा हुई पीली जो गंदगी होती है ना उसको हटाकर हमारे दांतों को एकदम से नीट एंड क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हमने यहाँ पर जो है ना ऑरेंज जूस लिया है लगभग 1 से 1.5 चम्मच, और इतना ही हमने यहाँ पर टमाटो का जूस लेना है या पल्प लेना है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यहाँ ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जूस ले रही हूँ। इस तरह से मैंने कट लगाया था टमाटो में और इसका जूस इस तरह से आप निकाल सकते हो। लगभग 1.5 चम्मच ही जूस लिया है, ये देखिए। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो थर्ड चीज मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गाइस वो है 1 चुटकी नमक। नमक हमारे दांतों की गंदगी को दूर करके दांतों को एकदम से मोतियों जैसा चमका देता है, गंदगी इम्प्योरिटीज को दूर करता है हमारे दांतों से। अब इन तीनों चीज़ों को मिला लेते हैं अच्छे से। तो अब हमने इसको अपने टीथ पर कैसे अप्लाई करना है वो भी देख लीजिए गाइस। आपने एक सॉफ्ट ब्रिसल्स का जो है ना ब्रश लेना है और इसके अंदर डिप करना है ऐसे, और अच्छे से जब ये डिप हो जाएगा तो इसको आपने अपने टीथ पर कुछ इस तरह से लगाना है। चलिए मेरे साथ देखिए कि कैसे मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने टीथ पर। बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ मैं। ऐसे आप अपने टंग को घुमाकर देखिए, कहीं पर भी आपको पीलापन, कहीं पर भी आपको कैविटी फील नहीं होगी। और अगर आप इसको डेली फॉलो करोगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आपके दांतों का पीलापन दूर हो जाए। देखिए कड़क की आवाज़ आ रही है, जब टीथ साफ हो जाते हैं ना वो होते एकदम से, तब कड़कड़ की आवाज़ आती है। देखिए अगर आ रही है तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना। आप खुद पे करके देखिएगा और देखिए आवाज़ भी आएगी आपको, बहुत बहुत गुड इफेक्ट इसका आपको मिलेगा, आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। सेकेंड टीथ व्हाइटनिंग रेमेडी को बनाने के लिए एक क्लीन सा मैंने ग्लास ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। आप चाहें तो मार्केट वाला ले सकते हैं या फिर चारकोल पाउडर घर पर बनाकर इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून से भी कम जो है ना यहाँ पर चारकोल पाउडर लिया है, आप देख सकते हो इतने से अमाउंट में लेना है हमने, जो कि सफिशिएंट है। चारकोल पाउडर टीथ व्हाइटनिंग के लिए दी बेस्ट माना जाता है। चारकोल पाउडर हमारे दांतों पर जमा हुई मैल को, पीली परत को हटाता है, जितनी भी कैविटी होती है, टार्टर होता है, उसको हटाकर हमारे दांतों को एकदम से नीट एंड क्लीन करता है। अब जो नेक्स्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सॉल्ट डाल रही हूँ 1 पिंच सॉल्ट। मैं फिर से यही कहूँगी कि हमारे दांतों को एकदम से साफ़ सुथरा बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जितना भी टीथ के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार मसूड़े छिल जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सॉल्ट बहुत अच्छा रहता है उन प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए।
नेक्स्ट मैं इसके अंदर जो है ना 2 से 4 बूंदे जो है कोकोनट ऑयल की डाल रही हूँ। कोकोनट ऑयल बहुत ही माइल्ड होता है, हमारे टीथ क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छे से हमारे दांतों की ये सफाई करता है। और इनको हम मिक्स कर लेते हैं। अब लास्ट एक इंग्रेडिएंट और है जिसको हमने इसके अंदर ऐड करना है, वो है टूथपेस्ट। आप अपनी पसंद का कोई भी टूथपेस्ट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेप्सोडेंट ले रही हूँ, आप चाहे तो कॉलगेट या कोई और टूथपेस्ट भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। 1/2 स्पून के करीब हमने यहाँ पर कॉलगेट को या फिर पेप्सोडेंट को या कोई भी टूथपेस्ट जो है आपके पास उसको ऐड करना है। टूथपेस्ट को डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आपकी मिक्स करने के बाद कुछ ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, चाहे तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से इसको अपने टीथ पर अच्छे से लगाइए या फिर आप टूथब्रश ले लीजिए और टूथब्रश को इसके अंदर डिप कीजिए और अपने टीथ पर अच्छे से लगाइए। कम से कम 1 या 2 मिनट तक तो अपने दांतों पर ब्रश कीजिए। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपने सेम उसी तरह से अपने दांतों की क्लीनिंग करनी है। कोई भी एक रेमेडी आपने लगातार 1 हफ्ते तक यानी कि 1 वीक तक करनी है फॉलो। आपने डेली इनमें से एक रेमेडी को अपने टीथ पर लगाना है, 1 से 2 मिनट तक ब्रश करना है और नॉर्मल पानी से कूला कर देना है, ठीक है। अगर आप हफ्ता भर इनमें से कोई भी एक रेमेडी फॉलो करते हो ना तो आपके दांतों की सफाई इतनी अच्छी हो जाएगी ना, आपके दांतों पर जो पीलापन है वो हटने लगेगा धीरे धीरे। और लंबे समय तक फॉलो करोगे तो आपके दांत ऑब्वियसली एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। सो गाइस, आई होप आपको अच्छा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर हर जगह पर आपने शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।